Namaskar students of MSc NLD 3rd sem. Today's session topic of your course Food Service Management is your food service establishment. So in previous session we have talked about the introduction of what is your food service establishment and how many types of they are. And now we will talk about like what kind of food service establishment are basically used. So there are mainly four types of food service system. First is your conventional, second commissary, third is ready prepared, and fourth is assembled or served. Okay, so now we will talk about individual topic in brief way, starting with the conventional form. So conventional food service establishment kya hota hai, jab aap koi bhi apna food prepare karte ho kitchen mein kisi premises ke andar jahan aapka food served hota hai. ठीक है, फॉलोइंग फूड जो आपका प्रिपेयर होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फूड क्या होता है आपका हॉट एंड कोल्ड कंडीशन में होता है एंड देन सर्व होता है एज सून एज पॉसिबल. जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका, जैसे आप कैफेटेरिया में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, डाइनिंग हॉल्स होते हैं आपके, हॉस्टल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका फूड प्रिपेयर हो रहा होता है. ठीक है ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग वो जस्ट आपको जो भी कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको क्या होता है सर्व किया जाता है. ठीक है, तो जहाँ इमीडिएटली सर्विंग आती है वहाँ आपका क्या होता है कन्वेंशनल फूड होता है, किचन में आपका फूड बनता है एंड देन उसी प्रेमिसेस में आपका फूड आपको सर्व किया जाता है. द सेकेंड इज योर कमिश्नरी एंड कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम. ठीक है, कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम, व्हाट हैपन इन दिस सिस्टम, लाइक इन दिस सिस्टम फूड इज प्रिपेयर्ड सेंट्रली एट वन प्लेस बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल रिमोट एरियाज फॉर द फाइनल प्रिपरेशन एंड सर्विस सिंस द फूड प्रोडक्शन इन सेंटर ऑफ सर्विस एरिया लोकेटेड इन सेपरेट फैसिलिटीज. इसको थोड़ा अच्छे से इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाती हूँ आपको. इसमें क्या होता है जैसे कि इसमें आपका जितना भी सिस्टम होता है, जो आपका एक मेन सेंट्रल प्लेस होती है जहाँ पे आपका पूरा फूड बना दिया जाता है. ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स सब उसमें ऐड कर दिए जाते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि आपका जो फूड होता है, ठीक है, जो हाफ प्रिपेयर्ड फूड होता है वो फिर आपके जो रिमोट एरिया में या फिर आपके कुछ और एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पहुँचाया जाता है एंड देन वहाँ पे उसकी फाइनल प्रिपरेशन होती है एंड देन वो वहाँ के लोकेलिटी में सर्व किया जाता है. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका ऐसे मैकडोनल्ड्स. ठीक है, मैकडोनल्ड्स में आपकी जितनी भी आपका जैसे वो मैकालू टिक्की होती है और आपका जो पूरा बन होता है, ठीक है, ब्रेड का, तो वो सब आपका एक जगह प्रिपेयर होता है, उसका एक सेंट्रलाइज किचन होता है. ठीक है, जैसे दिल्ली में उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो दिल्ली में उसके मेन हेडक्वार्टर से सारी टिक्की और सारा आपका बन जो भी ब्रेड वाला पार्ट होता है वो आपका पूरा प्रिपेयर होता है एंड देन वो सारा पार्ट प्रिपेयर होके अलग अलग जो मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेज है वहाँ वहाँ उस एरिया में जाता है एंड देन वहाँ उसकी फाइनल प्रिपरेशन होती है, फिर वो सिर्फ उसे पकाते हैं. ठीक है, तो उसकी प्री प्रिपरेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका टेस्ट, वो सब पहले से ही एक सेंट्रलाइज किचन में हो जाता है. ठीक है, तो ये आपका कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम का है एग्जाम्पल. इसके ऐसे आप देख सकते हो चेन होती है. ठीक है, बहुत सारे फूड ग्रुप्स की चेन होती है, ऐसे कॉफी डे होता है, बरिस्ता होता है. ठीक है, दीज फूड्स आर लाइक, इसमें आइसक्रीम, मिल्क, चॉकलेट, कुकीज सप्लाई की जाती है सेंट्रलाइज किचन से. ठीक है, सेंट्रलाइज किचन होता है, दैट इज द मेन किचन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो और जो मेन किचन है वहाँ से आपकी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा रही है एंड देन जिस एरिया में ट्रांसपोर्ट की जा रही है वहाँ पर उससे फाइनल प्रिपेयर किया जा रहा है. और थर्ड इज योर रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम. रेडी प्रिपेयर्ड में क्या होता है, जैसे कि आपका जो फूड आइटम होता है वो प्रिपेयर्ड होता है इन एडवांस फॉर्म बिफोर द टाइम ऑफ सर्विस. ठीक है, और बिफोर द टाइम ऑफ सर्विस मतलब कि जब तक लोगों को सर्व करना है उससे पहले ही हमने उसको प्रिपेयर करके रख लिया है. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, हमने प्रिपेयर करके रख लिया, हम उसको फ्रोजन स्टेज पर रखते हैं और बहुत सारी लार्ज सिटीज होती है यहाँ पे फ्रोजन पराठा, समोसे, कटलेट्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सब आपके फ्रोजन फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, तो ये आपके रेडी प्रिपेयर्ड फूड आइटम है. जैसे आपके मकेन्स आते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जैसे आपका मैगी भी आपका एक रेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसको आपको सिर्फ पकाना होता है. ठीक है, आप सब कुछ बन रखा है उसमें, सारे मसाला सब कुछ है उसमें, इंग्रेडिएंट रेडी है, तो यू जस्ट हैव टू बॉइल द वाटर एंड देन पुट इट इनसाइड. तो ये आपके सब क्या रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम्स है. ना, या फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज असेंबली सर्विस सिस्टम. इसमें क्या होता है, इसमें फुल्ली प्रिपेयर्ड फूड जो होता है परचेज किया जाता है मैन्युफैक्चरर से एंड देन उसकी सीजनिंग, थॉइंग, रीहीटिंग, ये सब आपकी एक प्लेस पे करी जाती है. ठीक है, मतलब ये सर्विस सिस्टम जो होता है वो आपका एक पॉइंट पे रहता है, यहाँ पे ऑन टाइम कुकिंग होती है और ऑन टाइम सर्व किया जाता है. ठीक है, जैसे आपका पानी पूरी हो, गोलगप्पे हो गए, ठीक है, भेलपूरी हो गई, ये सब चीज़ें क्या आपकी इमीडिएटली वो लोग क्या करते हैं आपके सामने बना के आपको फिनिश देते हैं. ठीक है,
बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर वो पानी पूरी सर्व कर रहे हैं, कोई पानी पूरी का स्टॉल है, तो वहाँ पे वो उसके जितने भी आपके जो आपके बताशे होते हैं या जो भी आपका उसके अंदर जो वाटर होता है, वो सब वो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक है। तो आइटम्स जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं एंड एट द टाइम ऑफ सर्विंग वो आपको इमिडिएट सर्व किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल विथ योर फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वी विल कंटिन्यू इन अवर लाइव सेशन।